नीतीश कुमार जी को 24 में ही मोदी जी समाप्त कर देने के फेरा में है, इसलिए उनके मंच पर आदरणीय मुख्यमंत्री नजारत से नहीं जा पाए। विधायक तोड़ ममोर कर रहे हैं, जनता के तोड़ ममोर कर लीजिएगा, जनता के बीच में आके चुनौती जीत जाएंगे, कई लोग जमानत जब्त कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव राजकुमार ठाकुर नंदवंशी जी हैं। राजकुमार ठाकुर जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन बिहार में एक परिवार के ही लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी कहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। आप सोचिए, अगर पूरा देश उनका परिवार है तो आज पूरा देश सवा है। आप देखिए कि पूरे देश के किसान कुचले जा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मोदी जी वो क्या, अगर वह परिवार है तो पूछ क्यों नहीं रहे? क्या किसान, देश के किसान मोदी जी का परिवार नहीं है? तमाम गरीब आज महंगाई का जो झेल रहा है, महंगाई तमाम देश का गरीब, क्या मोदी जी कितने दिन पूछ रहे हैं अपने तो कौन कौन स्टार होटल में घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं? देश के गरीब को देखने वाला कौन है? आज जो महंगाई चरम सीमा पर देश का जो चल रहा है, उसको पूछने वाले मोदी जी हैं? गैस सिलेंडर से लेके क्या क्या सब कुछ महंगा हो गया, उसको मोदी जी क्या, उनके परिवार का लोग झेल रहा है? अब बात रही परिवार बात का, मोदी जी का मैं भी सुना हूं कि बोले हैं कि बिहार में एक ही परिवार बढ़ा है, एक ही परिवार का विकास हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि लालू जी के शासन काल में, राजद के सरकार में, जिस समय लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय लगभग, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, लगभग 150 अति पिछड़े परिवार को सड़क से लेकर सदन में बैठाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आज मात्र 17 महीने के शासन काल में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने लगभग 4,00,000 परिवार के लोगों को रोजगार देने का काम किया, और मोदी जी कह रहे हैं कि एक ही परिवार बढ़ा। बिहार के लोग जान नहीं रहा है, और आप नहीं जान रहे हैं कि राजद और तेजस्वी यादव जी के सरकार में कितने परिवार का विकास हुआ। मोदी जी ही कहे थे कि पढ़ लिख लिया तो जाके पकौड़ा तलो, तेजस्वी यादव तो पकौड़ा तलवाने का काम नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी ने तो बोला था कि पढ़ लिख के क्या होगा। लालू जी कहाँ बोले थे पढ़ लिख के क्या होगा? लालू जी तो शुरू से चरवाहा विद्यालय खोल करके तमाम जो गरीब परिवार के बच्चे थे उनको शिक्षा का बढ़ावा देने का काम किया, और उसी चरवाहा विद्यालय से, उसी चरवाहा विद्यालय से आज पढ़ करके दलित और महादलित के बहुत सारे लाखों लाख जो बच्चे थे जो शिक्षक हुए पढ़े लिखे उस चरवाहा विद्यालय से, उस शिक्षा मित्र वाले आज मास्टर और बीपीएससी यूपीएससी तैयारी कर करके तमाम बहुत सारे दलित परिवार के बच्चे आज रोजगार पर और पदाधिकारी है। उसी मैंने शिक्षा नीति और लालू यादव जी के शिक्षा का बढ़ावा का देन है, और लालू जी बोले कि पढ़ लिख के क्या होगा। मोदी जी तो कल बतिया में बोले हैं कि किसान के हितैषी कौन, युवा के हितैषी कौन, महिला के हितैषी कौन, आप बोल रहे हैं जो मोदी जी क्या किए? आपको, आप लोगों को दिखाई देता है कि नहीं? आप लोग पत्रकारिता कीजिए, और निष्पक्ष हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कमजोर करके, देश के तमाम पत्रकार लोगों से, कि आप लोग पत्रकारिता कीजिए, सिर्फ मोदी जी के तरफ और एक साइड खींचने का पूरा देखिए, और जुनून बात सही बात लोगों को बीच रखने का काम कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं का ही तैसी कौन, यह बिहार में उनका भी सरकार था, और देश में उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार युवा रोजगार बेरोजगारों को मैं रोजगार देने का काम करूंगा, और वह मोदी जी बोले कि पढ़ लिख लिया तो जाकर के पकौड़ा तोड़ो। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10,00,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, तो आज उनकी सरकार बनी तो मात्र 17 महीने में लगभग 4,00,000 युवाओं को यह बिहार में नौकरी देने का काम किया, तो युवाओं का हितैषी कौन किया? उसमें तमाम महिलाएं हैं, और आज लोग कहते हैं कि जात पात एक ही परिवार। तेजस्वी यादव जी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो सिर्फ जात देख के बांट रहे थे क्या? सिर्फ कोई एक व्यक्तिगत परिवार देख के बांटने का काम किए क्या?
ये सब सोचने की बात है। सभी जाति सभी धर्म और ए टू जेड लोगों को विकास करने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली पटना में किए थे, उसके बारे में नित्यानंद जी बोले कि भीड़े नहीं था। नित्यानंद जी को कही कही है कि वो अच्छा चश्मा बनवा लेंगे। एक सप्ताह का रैली, एक सप्ताह का जो रैली हुआ है पटना के गांधी मैदान में, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि कितना भीड़ था। लोग देखा है वहां कि पटना में गांधी मैदान में बुलाया हुआ भीड़, पैसा के दम पर बुलाया हुआ भीड़ नहीं था। आप देखे हैं किसी चैनल पर चलते हुए किसी व्यक्ति को बोलते हुए कि हमको पैसा देकर के बुलाया गया? वहां देखे होइएगा तमाम बिहार के गली गली अपने दम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सुनने के लिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, महागठबंधन के तमाम नेताओं को सुनने के लिए उत्सुकता के साथ वहां जो भीड़ जुटी वह जगह नहीं था। पूरे पटना में गांधी मैदान छोड़ दीजिए, आप पता कर लीजिएगा कि पटना, पूरे पटना जाम था सुनने के लिए। सिर्फ कि हमारे जो अति पिछड़ा दलित महादलित के भगवान का जो भाषण होने जा रहा था बरसों बाद, उसको सुनने के लिए सारे लोग, और एक सप्ताह के अंदर में जो हुआ है वो महीनों महीनों दिन लोग पैसा बांटते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो पर भी उतना भीड़ नरेंद्र मोदी जी के रैली में नहीं जुटा पाते हैं जो रैली हुआ है। और नित्यानंद जी कह रहे थे कि भीड़ नहीं थी, उनको कही एक अच्छा चश्मा बनवा लेना तो आंख का इलाज करवा ले। नरेंद्र मोदी जी के सभा में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे। आप नहीं जान रहे हैं कि चचा हमारे जब मोदी जी के समक्ष बोल रहे थे कि अब हम आ गए तो कहीं नहीं जाएंगे, तो मोदी जी हंसने लगे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो चैलेंज के दवा के साथ कह रहा है कि ये गारंटी जी, मोदी जी के गारंटी वाले लोग, मोदी जी गारंटी लेंगे कि चाचा हमारे फिर नहीं पलटेंगे। तो मोदी जी भी जान रहे हैं कि पलटीबाज है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। वहां नीतीश कुमार जी को 24 में ही मोदी जी समाप्त कर देने के फेरा में है, इसलिए उनके मंच पर आदरणीय मुख्यमंत्री नजारत से नहीं जा पाए। अच्छा, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्या लगता है जिस तरह से महागठबंधन के 8 विधायक को भाजपा ने तोड़ लिया है, चर्चा है कि एक दर्जन से अधिक और विधायक बीजेपी में जाएंगे, तो क्या लगता है बिहार में बीजेपी खुद का सरकार नहीं तो बनाएगी? नीतीश कुमार को भी गचा दे देंगे क्या? विधायक तोड़ ममोर कर रहे हैं, जनता का तोड़ ममोर कर लीजिएगा। जनता के बीच में आकर चुनौती जीत जाएंगे, कई लोग जमानत जब्त कर देगा। चर्चा के इस बरहाल जाए ना लोकसभा विधानसभा में वोट मांगने जनता के बीच, जो बिहार के भी जनता जान गया है कि चाचा हमारे किस तरह इस जनता को मूर्ख बनाने का काम करते, वोट लेने के बाद में माल महाराज के मिर्जा खेले होली सड़क पर लाइन में लग के बूथ पर धूप बरसात में अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए लोग पोल करने का काम करते हैं। चाचा हमारे कुर्सी के लालच में कभी इधर कभी उधर जाने का काम करते हैं, तो बिहार के जनता ही जान गई है इनका तमाशा। उनका हाल खबर इस बार बिहार के तमाम जनता लेने का काम करेगा चुनाव के दरमियान में।